बच्चों लास्ट क्लास में इन इलास्टिक कोलिजन तक बता दिया था, वो सेम मास वाला क्वेश्चन भी करा दिया, ठीक है ना। अगर दो मास सेम होते हैं तो वेलोसिटी को इंटरचेंज कर देना है, ठीक है, ये हमने करा दिया था। अब बच्चों इन इलास्टिक कोलिजन, जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, इन इलास्टिक कोलिजन लिखे, इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है बच्चों, इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर लिखो। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। देखो बच्चों इलास्टिक कोलिजन लास्ट क्लास में हो गया था, इन इलास्टिक कोलिजन देखो। अगर इसको डिटेल में देखना है तो अगेन मैं बोलूंगा वीडियो शेयर कर दूंगा, वैसे शायद किया भी होगा, उसमें देख लेना, लेकिन फिर भी मैं बहुत शॉर्ट में इसको बताते हुए आगे चलूंगा। इन इलास्टिक कोलिजन बच्चों, इन इलास्टिक कोलिजन में आप कॉम कर सकते हैं, कॉम मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर सकते हैं, लेकिन आप कोक नहीं कर सकते। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आप नहीं कर सकते, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप कर सकते हैं। तो बेटा अगर यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन में आपको दो इक्वेशन मिलता था, एक मिलता था मोमेंटम से और एक मिलता था काइनेटिक एनर्जी से, तो बाद में हमने काइनेटिक एनर्जी वाला सीन हटा दिया था और डायरेक्ट दूसरा इक्वेशन ई से बनाने लगे थे, याद है कि नहीं, ई से, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से बनाने लगे। तो यहाँ भी बच्चों ई का पहला इक्वेशन यहाँ तो ये आ जाएगा, सबको पता है ना, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू, वही सेम ब्लॉक वाला केस, बराबर एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, ये सेम ब्लॉक वाला केस है दूसरा, ठीक है ना। लेकिन बच्चों इसमें याद रखो, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम एम वन तो पता ही होगा, एम टू पता होगा, यू वन यू टू भी पता होगा, आपको निकालना क्या होगा, वी वन और वी टू। बेटा दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए, तो यहाँ आप कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं लगा सकते, तो यहाँ आपको ई गिवेन होगा, इसके लिए ई की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होती है, यही बात याद रखना, और ई का फॉर्मूला सेम होता है, तो ये लिख लेंगे कि इसके लिए ई की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में, और पिछले वाले के लिए ई की वैल्यू क्या होती थी, 1 के, ठीक है ना। तो सेम न्यूमेरिकल कुछ कराए गए थे इसके अंदर, आप देख सकते हैं, इसमें जो लोग देखें उनको मैं बता दूं, एक न्यूमेरिकल कराया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, बाकी एक बार आप उसको देख जरूर लीजिएगा, बाकी उसके आगे के जो न्यूमेरिकल है वो आप इग्नोर कर सकते हैं जब वीडियो देखें तो, लेकिन जहां तक इन इलास्टिक कोलिजन में एक न्यूमेरिकल, ये नोट कर लिया ना पहले, ये कर लो जल्दी से, इन इलास्टिक कोलिजन में एक न्यूमेरिकल कराया होगा मैंने, वहां आप चेक करिएगा कि एक बॉल को एच हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, एच हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है और कोफिशियंट ऑफ कोलिजन इसका ई है, तो टकराने के बाद वापस ये स्मॉल एच हाइट जा रही है। बच्चों रियल लाइफ में यही तो होता है, आप जितने हाइट से इसको छोड़ोगे उतने हाइट पे वापस नहीं जाएगा, उससे कम हाइट पे जाएगा, तो कम हाइट पे जा रहा है स्मॉल एच, ठीक है ना। इनके बीच में हमने रिलेशन बताया था, स्मॉल एच इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर एच, स्मॉल एच इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर एच, अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो ई स्क्वायर की वैल्यू, ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो सेम हाइट अटेन करेगा जितने हाइट से छोड़ा गया, क्योंकि तो इलास्टिक कोलिजन में किसी भी टाइप का लॉस नहीं होता, ठीक है ना, तो जितना हाइट से आप ड्रॉप करोगे उतना हाइट पे वो रीच करेगा। और बच्चों यहाँ फॉर्मूले से भी देख सकते हो, ई की वैल्यू 1 पड़ेगी, तो एच बराबर स्मॉल एच बराबर कैपिटल एच आएगा, लेकिन सेकेंड केस के लिए ई की वैल्यू 0.5 होगी, 0.3 होगी, क्वेश्चन आया था डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा याद रखना, क्वेश्चन बोला था कि एक बॉल को 1 मीटर से ड्रॉप किया है, उसका कोफिशियंट ऑफ कोलिजन है 0.6, तो बताओ वो टकराने के बाद वापस कितना हाइट जाएगा, 1 मीटर से ड्रॉप किया है, कैपिटल एच की वैल्यू कितनी होगी, 1, ई की वैल्यू 0.6, 0.6 का स्क्वायर क्या होगा, 0.36, खत्म हो गया आंसर, दिस इज योर आंसर, डायरेक्ट आंसर आपको ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाएगा इस फॉर्मूले पे। इसके बाद जब आप वीडियो को देखेंगे तो इसके बाद भी हमने कुछ क्वेश्चन किया है, तो अगर आप उसको नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन यहां तक अपने दिमाग में रिटेन कीजिए, इसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे भावनाओं में बह गए थे हम लोग, सर वीडियो कौन सा? हाँ मैं भेज दूंगा, तो उसमें अच्छा आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, अगर देख लीजिएगा, अगर दिमाग में बैठ पाए तो ठीक है, क्योंकि तो हमने उस समय क्वेश्चन किया था कि इस बॉल को यहां से ड्रॉप कर रहे हैं तो इनफाइनाइट कोलिजन के बाद इसका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस, और उसका बहुत ही खतरनाक फॉर्मूला बना था, एच इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर,
डिस्टेंस का, इसमें जीपी की सीरीज लगी थी, ठीक है ना। तो अगर वो वीडियो को देखें आप, उसके बाद भी एक प्रोजेक्टाइल का भी क्वेश्चन कराया था कि ऐसे प्रोजेक्टाइल गिर रहा है फिर छोटा होता जा रहा है, तो इस प्रोजेक्टाइल का टोटल रेंज निकालना, मतलब कराने का प्रयास किया था। इन बच्चों का दिमाग हैंग हुआ था तो यहीं पे लेक्चर रोक दिया था, इसके बाद पढ़ा गए लेक्चर रोक दिया था। हाँ किया था, चलो बता देंगे क्लास के बाद बता देंगे। क्वेश्चन है कि कोफिशियंट ऑफ कोलिजन ई है, तो मल्टीपल कोलिजन के बाद इसका टोटल रेंज बता दो। इसमें मैथ भी लगती, फिजिक्स भी लगती, प्रोजेक्टाइल भी लगता और जीपी भी लगती। चलो बात की बात है, वो मैंने कराया तो देखना है, देख। अरे तुम्हें देखना होगा ग्रुप, वो देख लेना वीडियो में। और बाकी लोग के लिए अगर इसको छोड़ना चाहेंगे, लास्ट पॉइंट आपका ये है जो आप फालतू पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते, जिंदगी सुरक्षित रखना चाहते हैं, ये वाला पॉइंट। इसके बाद आज से जो खेलना चाहते हैं उनके लिए आगे का पॉइंट है। चलिए डिस्कस, मुझे आंसर दिखाइएगा अगर, ठीक है ना बच्चों। अब तीसरा कोलिजन है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। देखो इंपॉर्टेंट हाईलाइट वही एच इक्वल टू ई स्क्वायर एच वाला था, बाकी नॉर्मल एक क्वेश्चन कराया तो वो सबसे हो जाएगा, बस जहां पिछले वाले क्वेश्चन में 1 रखा था 0.5 रख देना। तीसरा बच्चों परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन ये लिख लीजिए, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ये शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चों इसके लिए पूरा एक क्लास में ले चुका हूं, तो अगर पूरा डिटेल देखना हो, सब कुछ समझ के देखना हो, तो आप वहां पर जाके देख लीजिए। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन बच्चों, इस तरह के कोलिजन में मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी होगा, मैक्स लॉस ऑफ एनर्जी होगा। और इसमें होगा क्या कि जो दो कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट हैं, जैसे एक M1 वाला है U1 से जा रहा है, एक M2 वाला है U2 से जा रहा है, तो कोलिजन के बाद दोनों स्टिक कर जाएंगे और एक साथ मूव करेंगे। तो जहां कहीं भी वो केस हो कि कोलिजन हुआ और उसके बाद दोनों लोग सेपरेट नहीं हुए, सारा कोलिजन इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, इलास्टिक इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक और इलास्टिक एक ही बात होता है, चाहे परफेक्टली इलास्टिक है चाहे इलास्टिक है, बात एक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक में अंतर होता है। इन इलास्टिक में टकराने के बाद बॉल सेपरेट होता है, जैसे पीछे वाला केस था, परफेक्टली इन इलास्टिक में बॉल सेपरेट है, टकराने के बाद बिल्कुल एक साथ मूव करता है। तो बच्चों इसमें केवल कॉम चाहिए, हमें कोक कर भी नहीं सकते और कोक की जरूरत भी नहीं है। यहां भी आप काम कर सकते हैं, कोक नहीं कर सकते, क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी हुआ बिटवीन द कोलिजन, ठीक है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं कर सकते, काम कर सकते हैं, तो काम की जरूरत भी है क्योंकि हमारा अननोन केवल एक ही है, वी, एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन में काम हो जाएगा, वहां दो वेरिएबल थी तो दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती थी। बच्चों इसके लिए ई की वैल्यू होगी 0, इलास्टिक के लिए 1, परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए 0 और परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए, और इन इलास्टिक के लिए 0 से 1, ठीक है ना, दोनों केस के बीच में ये है, ठीक है ना। तो बच्चों ये क्वेश्चन था, किसी का अगर एक क्वेश्चन देख लिया हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम पढ़ेंगे ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन मतलब अभी जो पढ़ रहे थे हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन मतलब पार्टिकल टक्कर के बाद स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, मतलब बिल्कुल हेड टू हेड टक्कर हो, बताया था ना हेड ऑन और ऑब्लिक में डिफरेंस, हेड ऑन और ऑब्लिक में डिफरेंस बताया था ना, नहीं भूल गए सब, भूल गए सब, भूल गए बच्चों। जो दो कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट है उनके सेंटर को ज्वाइन करो, अगर दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी उस लाइन के अलोंग है जो दोनों सेंटर को ज्वाइन करने पे बन रही है, तो दैट इज योर हेड ऑन कोलिजन। सेंटर को ज्वाइन करो, एक लाइन बनेगी, अगर दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी उसी लाइन पर है तो हेड ऑन कोलिजन, पार्टिकल सीधा जाएगा टक्कर के बाद। लेकिन अगर ऐसा हो, जैसे मान लो पार्टिकल यहां हो, ये इनके सेंटर को ज्वाइन करोगे ऐसे होगा, इसकी वेलोसिटी ऐसे हो और इसकी वेलोसिटी ऐसे हो, V1 V2 मान लो कुछ हो, ऐसे वेलोसिटी हो, तो इस समय अगर टक्कर होगा तो पार्टिकल स्ट्रेट नहीं जाएगा, टक्कर होगा तो एक ऐसे फैलेगा, ठीक है ना, ये वाला इधर जाएगा तो उधर जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये कोलिजन कौन सा, ऑब्लिक कोलिजन, तो उनके सेंटर को ज्वाइन किया गया और अगर वो वेलोसिटी उस लाइन के अलोंग नहीं है, दोनों की वेलोसिटी उस लाइन के अलोंग नहीं है, तो उस समय जो कोलिजन होगा हेड ऑन कोलिजन होगा, मतलब कोलिजन इन 2D होगा, इससे पहले जो कोलिजन था वो कोलिजन इन 1D।
ठीक है ना। तो ये सब कोलिजन जो अभी आप पढ़े थे वो क्या था, कोलिजन इन 1D। अब हम पढ़ेंगे कोलिजन इन 2D, जो आज की क्लास से स्टार्ट करेंगे। ये सब पिछले क्लास का रिकैप, ठीक है ना, जो अभी तक हमने जल्दी जल्दी किया संक्षेप में, शॉर्ट में चीजों को, ताकि आप कनेक्ट कर पाए चीजों के साथ, ठीक है ना। अब लिखिए बच्चों, ऑब्लिक कोलिजन, सेकेंड टाइप का कोलिजन है ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक मतलब तिरछा, आपको पता होगा अगर स्लांटेड, ऑब्लिक है ना, तिरछा कोलिजन मतलब इसमें होगा। तो देखो बच्चों, आपको जो केस आएगा उस केस में एक मास आपका मोस्ट ऑफ द टाइम रुका रहेगा, क्योंकि अगर वो रुका नहीं रहा तो फिर चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम, और इवन अगर आप जेई और नीट भी देते हैं तो उसमें भी एक मास मोस्ट ऑफ द टाइम रुका रहेगा। कुछ नहीं तब और भी हो सकता है, 3D कोलिजन हो सकता है, वो इम्पैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए कुछ स्टैंडर्ड केस डेवलप करते हैं, उसी के अराउंड क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी आगे के लिए तो छोड़ ही देते हैं चीजें। तो जैसे बच्चों, ये M2 वाला मास है, ये M1 वाला मास है, तो ये M2 वाला मास रेस्ट पे है और ये M1 वाला मास U1 से आ रहा है, ठीक है ना। तो ऑब्लिक कोलिजन मानना, भले मैंने हेड ऑन टाइप का बनाया है लेकिन आप उसको क्या मानना, ऑब्लिक मानना। बेटा ये ऐसे कोलिजन करते हुए इसको टक्कर मारा, तो टक्कर इनके बीच में हुई यहाँ पे, टक्कर होने के बाद M1 M2, तो इसके बाद टक्कर होने के बाद क्या होगा, ये मान लो M1 वाला ऐसे चला गया होगा V1 के स्पीड से, और M2 वाला ऐसे चला गया होगा V2 के स्पीड से। V1 V2 अननोन है, ठीक है ना। और बच्चों ये जो लाइन है, जो इनिशियल लाइन है, उसके साथ जो V1 एंगल बना रहा है मान लो θ1 है, और ये जो V2 एंगल बना रहा है वो θ, ठीक है ना भाई। ऐसे ही जाएगा, टक्कर होगा, V1 ऐसे जाएगा, कुछ वैल्यू से जाएगा V1, कुछ वैल्यू होगा V2, वो डिपेंड करता है कोलिजन कैसा होगा, लेकिन ये इसका जनरल डायग्राम, ठीक है बच्चों, जनरल डायग्राम। तो हम लोग यहाँ पे क्या बना लेंगे, एक्सिस मान लेंगे कि इधर एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस, क्या मान लेंगे कि इधर एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस है। तो बच्चों अब की बार हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करेंगे, लेकिन वेक्टर में करेंगे। जैसे तो पहले तो डायरेक्ट ऐसे चल जा रहा था, अब वेक्टर में प्रॉपर आई कैप जे कैप में करेंगे। तो बच्चों इनिशियल मोमेंटम कितना था, इनिशियल मोमेंटम कितना था, तो M1 U1 आई कैप, सही बात है बच्चों। M2 तो जीरो था ना, अगर मैं लिखूं M2 इंटू जीरो इंटू आई कैप तो कोई मतलब नहीं उसका, इसलिए नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि M2 वाला रेस्ट में है। बच्चों फाइनल मोमेंटम क्या होगा, दोनों का एक साथ लिखना है, M1 का भी और M2 का भी। तो बच्चों इसका कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा, तो कंपोनेंट कंपोनेंट इसका तोड़ना पड़ेगा। तो कंपोनेंट कैसे तोड़ा जाए, तो बच्चों जो इधर आएगा कंपोनेंट वो कितना आएगा, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट आएगा V1 cos θ1। बच्चों जो पास होता है वो कॉस होता है, समझे ना, जिस जिस साइड के पास एंगल लगा होता है वो कॉस होता है। इसका कंपोनेंट इधर की तरफ कितना आएगा, V2 cos θ2 बच्चों, और इसका ऊपर कंपोनेंट कितना आएगा वेलोसिटी का, इधर कितना आएगा V1 sin θ। सिमिलरली बेटा इसका निकालोगे इधर कितना होगा V2 sin θ2, और बेटा इसका इधर कितना आएगा V2 cos θ, समझ रहा ना कंपोनेंट। अरे बच्चों हाँ, कंपोनेंट में ऐसे जितने लोग को, फिर अगर ए वेक्टर ऐसा, ये एंगल थीटा है, तो इधर वाला कंपोनेंट A cos θ होता है और इधर वाला कंपोनेंट A sin θ, ठीक है ना। कंपोनेंट का मतलब बार बार बताता हूँ, एक कंपनी में काम कर रहे हैं दो लोग, उनको हटा के, एक लोग काम कर रहे हैं उनको हटा के दो लोग को ले आना है जो उस अकेले के बराबर काम, समझ आएंगे नहीं है, ये तो पुरानी पुरानी बातें हैं लेकिन फिर भी टाइम एंड अगेन रिपीट होती रहेंगे। तो बच्चों अब देखो फाइनल मोमेंटम कितना होगा इसका, तो फाइनल मोमेंटम अगर लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा, तो आई कैप होगा, तो आई कैप में कितना होगा M1 V1 cos θ1 आई कैप, सॉरी प्लस भी कर लेता हूँ, प्लस M2 V2 cos θ2 आई कैप। बच्चों देखो तो ठीक है, दोनों का एक साथ लिखना है, तो दोनों का आई कैप वाला एक साथ लिख लिया, तो वेलोसिटी कितनी थी M1 वाले की इधर की तरफ V1 cos θ1,
मोमेंटम लिखना था ना मुझे। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, इसका इधर कितने का प्लस, प्लस नीचे लिख दे रहा हूं, नीचे आएगा m1 v1 साइन थीटा 1 प्लस m2 v2 साइन थीटा 2 बच्चों जे कैप। हाँ सॉरी बच्चों, यहाँ पे एक क्रॉस सही बोल रहा है वो, यहाँ पे माइनस लगेगा, क्यों लगेगा, रुक जाओ तुम्हारे अलावा बेटा, यहाँ माइनस लगेगा, रुक जाओ तुम्हारे अलावा बोला, माइनस लगेगा यहाँ, माइनस क्यों लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा, सही बोल रहे हो। हाँ ठीक है, क्यों लगा यार। हाँ बच्चों, अगर वाई एक्सिस आपने ऊपर मानी है, वाई एक्सिस किधर मानी है, ऊपर, तो ये जो पार्टिकल जा रहा है वो किधर जा रहा है, नीचे, तो यहाँ फॉर्मूले में क्या आएगा, माइनस, लिख लो इसको, यहाँ फॉर्मूले में क्या आएगा, माइनस, ठीक है ना। अब दोनों को बराबर करेंगे, चलेंगे दोनों को बराबर करो, तो दो वेक्टर अगर इक्वल होता है तो उसका आई वाला आई के इक्वल होता है और जे वाला जे के, जैसे एग्जांपल बना लिया इसको, एक क्या हुआ, सेकंड जल्दी सर। करो जल्दी जल्दी करो जल्दी, अरे उसका तो नहीं बना, सो रहा था बालक, कहाँ ध्यान था तुम्हारा, हो गया सर। हाँ आपका सुन रहे थे, तो कहीं चले गए थे, डीप थिंकिंग में चले गए, जल्दी करो जल्दी करो, जो भी सिचुएशन है। मधुर आवाज तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, इसे कुछ नहीं तो उसका भी लिख देंगे, अगर वो भी लेकिन एक्स की तरफ मूव कर रहा है तो उसका भी लिख देंगे, m2 u2 j i कैप हो जाएगा, m1 u1 i कैप प्लस m2 u2 i, लेकिन अगर दोनों को उसको भी तुम अगर 3D में मूव कराने लगो फिर तो देख लेना उसका भी कंपोनेंट होना, ठीक है चले आगे। तो बच्चे इतना फिर भी मैं बता रहा हूं, जैसे अगर a i कैप है और बी जे कैप है, ये इक्वल है सी आई कैप और डी जे कैप के, तो बच्चों एक बात मैं बोल सकता हूं कि ए विल बी इक्वल टू सी एंड बी विल बी इक्वल टू डी, नहीं पता है तो याद रखेंगे कि अगर दो वेक्टर इस तरह लिखे हैं और वो इक्वल है तो उनके आई कैप वाला कंपोनेंट आई कैप के इक्वल होगा और जे कैप वाला कंपोनेंट जे कैप के होना ही होगा, तभी वो वेक्टर इक्वल आएगा, अदरवाइज इक्वल नहीं आएगा, अगर नहीं पता है तो लिखिएगा। तो बच्चों अभी पिछले सिचुएशन में मुझे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर सकता हूं मैं, क्योंकि तो उसकी कंडीशन आपको पता है, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो नेट फोर्स जीरो है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करूंगा तो वेक्टर फॉर्म में करूंगा, तो पी आई इक्वल टू पी एफ, तो बच्चों यहां पे मुझे मिलेगा क्या, पी आई कितना था, m1 u1 i कैप प्लस, और तो कुछ नहीं था, पी एफ कितना था, m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2, बच्चे कुछ नहीं कर रहा मैं, मजाक कर रहा हूं, ये तुम्हें तो पता है ना, u1 ठीक है, m1 v1 cos θ2 i कैप, यहां पे क्या होगा बच्चों, प्लस m1 v1 sin θ1 माइनस, वही दोबारा लिख रहा हूं, m2 v2 sin θ2 j कैप, दोबारा लिख रहा था। अब देखो इसमें बच्चों, इसमें आई कैप वाला कॉफिशियंट एक दूसरे के इक्वल होगा, तो इसका मतलब m1 u1 विल बी इक्वल टू m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2, ठीक है बच्चों, यहाँ जे कैप की तरफ कंपोनेंट कितना है, जीरो, यहाँ जे कैप का कॉफिशियंट इस साइड में कितना है, जीरो, तो जीरो विल बी इक्वल टू m1 v1 sin θ1 प्लस माइनस m2 v2 sin θ2, ये दोनों इक्वेशन है, इन्हीं से सॉल्व करेंगे, आपको चार वेरिएबल है यहाँ पे,
कौन कौन से वेरिएबल है? थीटा 1, थीटा 2, वी 1 और वी 2, तो दो तो देना ही पड़ेगा हमारे पास। हाँ तो उधर ले जाने के बाद इक्वल हो ही जाएगा, लेकिन मैं फिर भी चार वेरिएबल है हमारे पास, थीटा 1, थीटा 2, वी 1 और वी 2, और हम इक्वेशन कितनी बना सकते हैं? दो। एक इक्वेशन आई से बनी और एक इक्वेशन जे से बनी। अगर इलास्टिक होगा तो एक इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी से बना सकते हैं, अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ तो एक इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी से बना सकते हैं, और तो बाकी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलें। अब डायरेक्ट न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल करके चैप्टर खत्म करेंगे। हो गया, बस याद रखना आई कैप का कोफिशियंट आई कैप के इक्वल और जे कैप का जे कैप का। तो उस शुरू में जे कैप का 0 था, तो 0 इक्वल टू चले। क्वेश्चन क्वेश्चन बच्चों, दो क्वेश्चन कराएंगे, टॉपिक खत्म। पहले ये करो, थोड़ा ब्लर दिख रहा है क्या? पर रीडेबल है कि नहीं? ए बॉल मूविंग विद स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स एन आइडेंटिकल बॉल सच एज आफ्टर कोलिजन। थोड़ा सा ब्लर हो गया क्योंकि तो मैंने फोटो खींच के अपलोड किया अभी। ईच बॉल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन, फाइंड द स्पीड ऑफ द टू बॉल आफ्टर द कोलिजन। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? देखे जा रहा है, जल्दी करो, सॉल्व करो। चलो
बहन बच्चों, नहीं हुआ। आ गया, आ गया बहन। कितना आया? 3/3। ठीक है, चलो, 2 बच्चों का 3/3 आ गया। बायल कंसीडर्ड टू बी ट्रू। हे भगवान, बताया जाए इसको, बता रहा है सेम पीछे जो कराया ना, पुट द वैल्यूज इन फॉर्मूला। जाओ जाओ बेटा, कैसे जाओगे? मनन है, चले जाओ। ये इज द काइनेटिक एनर्जी कंजर्व इन दिस कोलिजन, वो बात की बात है, चेक कर लेना वैसे बाद में निकाल के। शुरू की आ गया, करे नया साल बेटा। हेलो सर, हाँ तो सर मैं कह रहा बताओ। हूँ उसमें वही लगेगा ना, M1 V1 साइन थीटा माइनस बिल्कुल M2 V2 बिल्कुल साइन बिल्कुल थीटा बिल्कुल बिल्कुल नहीं लगेगा, दोनों 30 डिग्री, थीटा वन थीटा टू दोनों सर, 30 डिग्री। √3 आ रहा है आंसर, कितना? 3/3 आ रहा होगा। सिर्फ √3 आ रहा है मेरा। चलो ठीक है, देख लो आंसर, मुझे पता नहीं। अरे अभी देख लो, इसका मान लो मास है, मैं मान लो इसका मास क्या है, एम। तो बेटा इसका शुरू शुरू में आई कैप के डायरेक्शन मोमेंटम कितना आएगा? 9 m आई कैप, 9 m आई कैप आएगा ना बच्चों, 9 m आई कैप आएगा। अच्छा, और ये आई कैप वाले के इक्वल होगा, तो दोनों बॉल m की है, और मान लो दोनों की वेलोसिटी v1 और v2 है। मान लिया ना, दोनों की वेलोसिटी v1 और v2 है, तो यहाँ इक्वेशन बनेगा m इंटू v1 इंटू cos 30, ठीक है, प्लस m इंटू v2 इंटू cos 30। cos 30 यहां पे लिखना था मुझे, cos 30। ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, तो यहां से एक इक्वेशन m से m कट जाएगा, तो यहां से एक इक्वेशन होगा 9 इक्वल टू cos 30 √3/2। तो कितना होगा, v1 इंटू √3/2, या V1 प्लस V2 इंटू √3/2 कर लेना चाहिए था, कोई बात नहीं। ठीक है, थोड़ा इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो, तो कितना होगा, 18/√3 इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। चाहो तो रेशनलाइज कर लो, तो कितना आएगा ऊपर, √3, 3 करोगे ऊपर आएगा 3/3 आ जाएगा, 6/3 आएगा, 6/3 इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। अरे समझ में आ रहा है क्या किया, √3 √3 मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 3 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों। अब दूसरा इक्वेशन, तो जे कैप में कितना हुआ था शुरू शुरू में, 0 बेटा, जे कैप का 0 था ना शुरू शुरू में, तो बाद में भी जे कैप का कितना आएगा, 0। तो एम इंटू V1 इंटू sin 30 माइनस एम इंटू V2 इंटू sin 30 इज इक्वल्स टू 0, उधर भेज दो, तो कितना होगा, V1 विल बी इक्वल टू V2। अरे करके देख लो, इसको उधर भेजोगे, sin 30 sin 30 इक्वल है, कट जाएगा बेटा, इसको उधर भेज दिया है, sin 30 sin 30 कट जाएगा, कटने के बाद बेटा mm कट जाएगा, V1 विल बी इक्वल टू V2, पुट कर दो ऊपर, खत्म करो। तो यहां से कितना होगा, 6/3 इज इक्वल्स टू 2V1, तो 2V1 कैंसिल करोगे, तो V1 विल बी इक्वल टू 3/3, और यहीं V2 भी होगा, सोचने की जरूरत नहीं बेटा, समझ में आ रही है। वाई वाले से पता चला मुझे कि V1 V2 बराबर,
सत्यम आया। यस सर, समझ गया। ठीक है हर्ष क्या हो, ठीक है कुछ नहीं करना था, पिछला वाला ही तो है। आगे चले बच्चों, फटाफट करेक्ट कर लो इसको। 1 मिनट सर, ये वाला भी नोट कर लूँ। दो बारी साइन थी तक क्यों लिया था? ठीक है ठीक बेटा, तो ये नहीं है आंसर, ठीक है ना? आप समझ में आ गया ना करण? चलो आगे, नेक्स्ट 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 मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आज जो आप लोगों को एनआईटी मिलते थे ना, एनआईटी पहले इसी से मिलते थे। पहले एक एग्जाम होता था बस आईआईटी का, और एक बाकी ये होता है IEEE होता था और स्टेट यूनिवर्सिटीज का। मतलब ऐसा इनडायरेक्टली समझ सकते हो, इसका जगह जेई मेन्स ले लिया। इतनी बात समझ। निकालो बच्चों। दूसरे बॉल को रेस्ट में ही मानोगे, ठीक है ना? बता रहा है दूसरा मूव नहीं करा, पहला ही मूव कर। यहां सारे विज्ञान भ्रष्ट। फिर भी कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात। जगह छोड़ देना, ये दोनों क्वेश्चन मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, नोट कर देना। अरे रिवीजन कर देना, पता तो होना चाहिए ना क्वेश्चन क्या था। सर एक हाँ डाउट है बताओ। सर, जैसे बिफोर कोलिजन था एमवी होगा हमारा ये, सही बात है, और आफ्टर कोलिजन क्या होगा? एमवी कॉस थीटा ना। अच्छा MVI कैप होगा ना, तुम वेक्टर में लिखो ना, तुम क्यों परेशान? मैं ठीक है सर, पर वो रेस्ट आप कह रहे हैं रेस्ट में नहीं लिखना है इसे, और ये रेस्ट में क्वेश्चन में लिखा है। अरे क्वेश्चन में मैंने ये बोला कि 2 मास है, एक मास मूव कर रहा है, इट्स हाँ कोलाइड इनास्टिकली विद अनदर आइडेंटिकल मास, तो हाँ दूसरा जिसके साथ वो कोलाइड कर रहा है वो रेस्ट में। सही बोलो। ठीक। मतलब ओरिजिनल लाइन के 90 डिग्री पे चल रहा है, अब दूसरा कहाँ जाएगा वही तो पता करना है। दूसरा किधर जाएगा, दूसरे का स्पीड क्या होगा, बता दिए। बच्चों गो टू द बेसिक्स, बेसिक में जाओ, पहले मोमेंटम लिखो बाद में मोमेंटम लिखो, लाइफ विल बी सॉर्टेड। तुम फॉर्मूला भी लगाओगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन बिना फॉर्मूले के भी आ सकता है।
लेकिन तुम फॉर्मूले लगाओगे तब भी आंसर आएगा। अरे बच्चों थीटा 190 ले लो ना। थीटा 190 ले लो, थीटा 2 ऐसे ही छोड़ दो, और थीटा 2 निकालना है और साथ में वी 2 निकालना है। हाँ तो भी दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन बन गया सॉल्व कर। देखो बेटा थीटा 190 ले लो, क्योंकि वो तो हो गया ना। अब बेटा दूसरे वाले का थीटा 2 मान लो और दूसरे वाले का वी 2 मान लो। अब दो चीज निकालना है, तो आई वाला आई के बराबर करो और जे वाला जे के बराबर करो। आ गया ना, तो आई क्या देख कर लो यार। तो निकालो अभी, कभी स्पीड निकालना था ना तुमको। चलो वेलोसिटी का वेक्टर निकालो। चलो अरे वेलोसिटी तो दे ही रखी है अभी। बच्चों V1 नहीं निकालना है, V1 दे रखा है ऑलरेडी। अब की बार V1 निकालना नहीं है, V1 दे रखा है। चलो देखते नया बेटा, कोई बात नहीं, प्रयास करो। पहले मैं देखो पुराने मेथड से करके बता रहा हूं, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस सही रहे। क्वेश्चन सबने पढ़ लिया, दिमाग में बैठ गया सबके क्वेश्चन। एक ब्लॉक वी से जा रहा है, वो इलास्टिकली टकरा रहा है, तो दूसरा वाला वी बाई √3 से 90 डिग्री पे चला जा रहा है। हे प्रभु हे हरे राम, हे जगन्नाथ, क्या हो। किसी का नहीं आया, ठीक है। थीटा 60 आ गया। आगे वी कितना आएगा, वी 2 कितना आएगा। कोई बात नहीं, अगला हो गया। आर्यन तुम्हारा भी नहीं आ रहा है, आओ परेशान हुए जाए। आओ बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि एक मास एम है, बी से जा रहा है, एक स्टेशनरी मास से टकरा रहा है। टकराने के बाद ये जो पुराना वाला मास है, एक मास बी बाई √3 से ऊपर की ओर चला जा रहा है, तो दूसरा वाला ये 90 डिग्री पे जा रहा है ओरिजिनल लाइन से। तो दूसरा वाला मान लो ऐसे जा रहा है, V2 से जा रहा है। दूसरा वाला जो मास है मान लो ऐसे जा रहा है, V2 से जा रहा है, थीटा 2 पे जा रहा है। यही सिचुएशन है ना। अरे पुराना वाला डायग्राम बनाया, बस उसमें थीटा 190 कर दिया है और V1 भी बता दिया है, V/√3। V ओरिजिनल वाला है। देख बच्चों अभी क्या बताया था फॉर्मूला, कि इधर MV आएगा तो उधर क्या आएगा, इधर MV आई कैप आएगा, उधर आई कैप में क्या आएगा। हाँ M1 V1 cos 90। तो cos 90 क्यों लिख रहे हो, M1 क्यों लिख रहे हो, M लिखो ना, M इंटू, ए रुक जाओ, एम इंटू V/√3 इंटू cos 90, ठीक है ना, रुक जाओ, प्लस एम इंटू V2 इंटू cos θ2। बताओ ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया ना, M1 V1 cos। देख बच्चों ये तो जीरो हो गया, cos 90 जीरो, उधर ही बचा है, यहां से V आ जाएगा V2 cos θ2, ये आएगा ना, V आ जाएगा V2 cos θ2। चलो बच्चों अब जे के डायरेक्शन में लिखते हो, तो जे के डायरेक्शन में शुरू शुरू में तो जीरो था, बाद में कितना होगा, बाद में होगा एम इंटू sin θ, M1 V1 इंटू sin θ1, याद है, इंटू sin 90। बच्चों sin θ1 तो
θ1 90 है ना आपकी बात? नहीं बेटा ठीक है ना, ये जो डाउट हो बता देना, कहीं भी रुकना हो तो। माइनस बेटा क्या होगा, एम एम इंटू वी टू इंटू साइन थीटा टू इक्वेट हो जाएंगे दोनों, आगे जाके एम से एम कट जाएगा, साइन 91 होता है तो यहां से बचेगा वी टू साइन थीटा टू, ये इक्वेशन वन मान ले रहा हूं, और ये इक्वेशन टू है, वी टू साइन थीटा टू विल बी इक्वल टू वी अपॉन रूट थ्री। अरे समझ में आ रहा ना, एम कैंसिल हो गया, देख लो यहां तक कोई डाउट हो तो ठीक है, सर मेरा इक्वेशन आंसर टू निकल गया। सर आंसर निकला। चलो कोई बात नहीं, मुझसे तो स्पीड पूछा था ना क्वेश्चन में, बाकी थीटा जिसका निकाल ले अच्छी बात है, थीटा निकालने के लिए क्या करोगे, ये दूसरा इक्वेशन मान लो, तो इक्वेशन टू बाई इक्वेशन वन कर दो, तो वी टू कट जाएगा, साइन थीटा टू अपॉन कॉस थीटा टू टेन थीटा टू आएगा, और इधर निकालोगे तो रूट थ्री आएगा, मतलब जो थीटा निकाले हैं उनका ठीक है कोई बात नहीं। थीटा निकालने के लिए क्या करोगे, अगर मान लो थीटा निकालना हुआ, वैसे तो इस क्वेश्चन में निकालने को बोला नहीं, तो वी टू साइन थीटा टू साइन थीटा टू अपॉन वी टू कॉस थीटा टू विल बी इक्वल टू वी अपॉन रूट थ्री अपॉन वी 30 आ रहा है क्या थीटा, तुम लोग का 60 कैसे आ रहा है, एक गधे तुम्हारा तुम्हारा 60 कैसे आ रहा था जी, बच्चों गुमराह 30 आ करते हो रहा यहाँ थीटा। पे। ये वी वी कट जाएगा, वी टू कट जाएगा, टेन थीटा टू इज इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री, तो थीटा टू विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा टू अब किसी में भी डाल देना यार, वी टू आ जाएगा, वी टू साइन 30 इसमें डाल रहा हूं, साइन 30 इज इक्वल टू वी अपॉन रूट थ्री, बट साइन 30 कितना होता है 1/2, टू उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो वी टू विल बी इक्वल टू 2v/√3। सही बात है यही कि आया नहीं, सर आंसर। खत्म। सर ये है ना हेलो तो फिर चिंता क्या हुआ है सर, आवाज आ रही है? बेटा। हाँ, अरे 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 सत्यम सुन रहा हूँ। हाँ हाँ सर, मैं कह रहा था वेक्टर के हिसाब से भी निकाल रहा था, तो यही आंसर आया, बेटा पर बेटा तरीका अब अलग क्या हुआ। करो, ठीक है ठीक कोई बात नहीं, सत्यम एक मिनट बेटा, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन तो देखो, मेरे क्वेश्चन में भी के अलावा दिया गया था कि किसके टर्म में निकालूंगा, शुरू में तो गिवन डाटा तो वी ही है ना, कहा गया ए मास मूविंग द वेलोसिटी वी, वी के टर्म में ही आंसर चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसका एक डायरेक्ट तरीका भी था डायरेक्ट, ठीक है ना, वैसे अभी जो सीखे हो उससे लगाना सब कुछ आएगा, मैं उसको जानबूझ के वैसे किया ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे, मैं इस पर डायरेक्ट नहीं लगाया, कि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि जो सीखा है वो भी लगाने से आंसर आएगा, बाकी डायरेक्ट देखो क्या करना था, इसमें टाइम बचाना था ना, इतना टाइम थोड़ी है, हालांकि उसमें भी ज्यादा टाइम लगा नहीं, अगर आप ढंग से एक बार में किए हो तो उसमें भी उस प्रोसेस में ज्यादा टाइम नहीं लगा, फिर भी यहाँ देखो डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में चल रहा है सब कुछ, देखो एम वी आई कैप सब वेक्टर में चलने दो, तो बच्चों जब ये ऊपर गया तो ऊपर ये जे कैप के अलोंग हो गया ना, तो मान लो उस वाले का मोमेंटम कितना था, उस वाले का मोमेंटम था पी, या उसका मोमेंटम मान लो मास इंटू, मान लो मास इंटू उसका वेलोसिटी था वी टू वेक्टर, दूसरे वाले पार्टिकल का, पहले वाले का कितना था, पहले का हो जाएगा मास इंटू वी अपॉन रूट थ्री इंटू आई कैप सॉरी जे कैप, समझ आ रहा मैंने क्या किया है, शुरू शुरू मोमेंटम इतना था, इधर जान दो, शुरू शुरू मोमेंटम इतना था, बाद वाले का मोमेंटम पता नहीं है छोड़ दिया, मान लिया भाई वी टू आई कैप जे कैप में कुछ होगा, मेरे को क्या पता, पता नहीं है मेरे को, भाई वी टू ही निकालना है, आई कैप जे कैप में कुछ होगा, फिर ये थर्ड वाले का तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि ये प्लस वाई में जा रहा है, जो मतलब दूसरा वाला टुकड़ा है मोमेंटम वो प्लस वाई में जा रहा है, तो बच्चों कितना इसका मोमेंटम होगा, तो वाई में होगा, तो एम इंटू मैग्नीट्यूड दे रखा है वी बाई रूट थ्री, और इसका डायरेक्शन क्या है अलॉन्ग जेड, तो बच्चों एम एम हर जगह से कैंसिल कर दो,
तो यहाँ बचेगा वी टू, वहां बचेगा वी बाई रूट थ्री। तो बताओ वी टू वेक्टर क्या आएगा, वी आई कैप माइनस वी बाई रूट थ्री जे कैप। आंसर आंसर हो गया। ऐसे मैग्नीट्यूड चाहिए तुमको, मैग्नीट्यूड वेक्टर का निकालने का फॉर्मूला पता है ना, तो कहता है वी का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर। तीन लिख दूं, देख यस सर, लो एलसीएम ऊपर कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 4v² / 3, तो कितना आएगा बच्चों 2v / √3। ऐसे किया सर। ऐसे कर लो खत्म। डायरेक्शन पूछता, मान लो तुमसे टेन थीटा, तुम्हारे निकालने की बहुत इच्छा थी तो टेन थीटा भी निकाल लेते। टेन थीटा कितना था, -b/√3/v, तो कितना था -1/√3। -1/√3 मतलब -30 डिग्री। ये क्या बता रहा है, इससे एंगल नीचे है, इस डायरेक्शन में एंगल चलता है तो माइनस में लेते। अरे एक्सिस से ऊपर एंटी क्लॉकवाइज में आते तो प्लस लेते हो, नहीं माइनस, इस वाले पास से माइनस, एंटी क्लॉकवाइज। और ऐसे भी तुम्हें बता, देखोगे इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव। चार कोऑर्डिनेट होते हैं पता है ना, तो उसका एक्स क्या है, पॉजिटिव, और वाई क्या है, नेगेटिव। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, थप्पड़ खाओगे अभी, फिर से थप्पड़ खाओगे, फोर्थ में होता है। तो फोर्थ में जा रहे तो ऐसे तो नीचे आएगा वेक्टर, समझ आ रहे हैं कि नहीं, क्लियर है, खत्म करें। अरे कुछ नहीं करना, जिसको कुछ नहीं आया था वही डायरेक्ट M1V1 वाला, सबको M(V)M1V1cos θ1 उधर नीचे पकड़ो, इक्वेट करो आंसर को। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आंसर तो आ जाएगा ना। चलो हेडिंग डालो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन, ठीक है, वर्क एनर्जी पावर के बाद अगला चैप्टर। हाँ अरे यार देखो, उस फॉर्मूले में तुम्हें 2D वाले कोलिजन में क्या करना है, बार बार एक ही फॉर्मूला लगना है, तुम परेशान क्यों हो उसके लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप हाँ क्या हुआ, ये क्या नियम हुआ, ये कौन सा नियम है भाई, ये न्यूटन का फोर्थ लाया कि नया चैप्टर नया नियम, पुराना चैप्टर, पुराना चैप्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस, पुराना चैप्टर, ये न्यूटन का फिफ्थ नियम है। ये बच्चा जब फोर्थ नियम लगाए तो फिफ्थ नियम लगाना, ठीक है समझे। अरे तुम्हें समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत हो बता दो। हाँ हाँ बात यार तुम लोग गलत लेकिन कर रहे। देखो एक बात ये बता दूं, ये चैप्टर थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक है ना, घबरा मत जाना। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, पहले बता रहा हूं तुम्हें, डरा रहा हूं मैं, ठीक है ना, पहले डरा रहा हूं मैं, ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, ठीक। और इसके बाद याद रखना कि कोई भी एग्जाम दोगे, जैसे अगर जिनका नीट है या फिर जिनका जेई है, अगर 3 क्वेश्चन मिनिमम इस चैप्टर से, 3 क्वेश्चन मिनिमम, मैक्सिमम बात छोड़ दो, 3 क्वेश्चन मिनिमम। एक पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग सेंटर ऑफ मास, दूसरा इसका डायनेमिक्स पढ़ेंगे, फिर कंजर्वेशन पढ़ेंगे। अरे इंट्रोडक्शन कर लेते हैं ना बस, एक काम एक काम करके इंट्रोडक्शन करके छोड़ देते। हाँ बस चलो, आओ चलो ठीक है, फिर वो वाला क्वेश्चन जो बताया था ना वो क्वेश्चन करते हैं। प्रोजेक्टाइल आता है सबको, थोड़ा बहुत आता है, प्रोजेक्टाइल नहीं आता है।
आप प्रोजेक्टाइल करो, चलो प्रोजेक्टाइल वाला एक क्वेश्चन दिया गया था, लेकिन तुम लोग को आएगा ये, डर जाओगे, नया चैप्टर शुरू करें। अरे इंट्रोडक्शन सुन लो, कल नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, विमान हुआ था ये क्वेश्चन, नहीं हुआ था, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। सबको रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल पता है क्या होता है, फॉर्मूला बताना। साइन स्क्वायर बोला बेटा आपने। अच्छा इसको अगर एक्सपैंड करें तो क्या लिख सकते हैं, यू कॉस थीटा इनटू 2u sin थीटा अपॉन जी, लिख सकते कि नहीं। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, यू कॉस थीटा वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस होती है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस होती है, और यू साइन थीटा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस होती है, तो 2ux uy अपॉन जी, ये भी फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? अरे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बना सकते हैं ना 2ux। अब इसका यहां पे देखो, सुनो ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन एक दिया था, एक बॉल को यू से फेंका है, तो यू से फेंका है तो ऐसे टकराएगी, टकराने के बाद इसका कुछ वेलोसिटी का लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाने के बाद फिर उतना हाइट नहीं जाएगी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था, तो बच्चों अगर यहां थीटा से फेंका है तो ये नियम है कि यहां बॉल थीटा से ही टकराएगी, और जिस स्पीड से फेंका गया है यहां बॉल उसी स्पीड से टकराएगी। तो अगर इस वेक्टर को मैं आगे बढ़ा लूं, यू वेक्टर को, तो ये वाला एंगल थीटा होगा, थीटा होगा कि नहीं होगा। तो इसका इधर वाला कंपोनेंट, नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल की बात कर रहा हूं, इसका इधर वाला कंपोनेंट यू कॉस थीटा होगा और इसका इधर वाला कंपोनेंट यू साइन थीटा होगा। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ई का, ई कहता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो बच्चे देखो, जब कोलिजन होता है और ये सरफेस स्मूथ है तो उस समय ई जो होता है केवल वर्टिकल कंपोनेंट को चेंज करता है, किस कंपोनेंट को चेंज करता है, वर्टिकल कंपोनेंट को चेंज। तो नेक्स्ट वाले प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वही रह जाएगा जो शुरू वाले प्रोजेक्टाइल का था, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो मान लो कोलिजन के बाद इसकी स्पीड हो गई वी वाई, कोलिजन के बाद स्पीड कितनी हो गई वी वाई। तो बच्चों ई का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो कोलिजन के बाद वर्टिकल डायरेक्शन में सेपरेशन की वेलोसिटी क्या है, हॉरिजॉन्टल को मत देखो, वी वाई, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जब गिर रहा था तो किस वेलोसिटी से गिर रहा था, यू साइन थीटा, तो वी वाई क्या आएगा, वी वाई कितना आएगा, वी वाई आएगा ई यू साइन थीटा, साइन थीटा आएगा। इस वाले प्रोजेक्टाइल का रेंज इतना था, नेक्स्ट वाले प्रोजेक्टाइल का रेंज कितना आएगा, इसको लिख सकता हूं ना ई इंटू यू वाई, लिख सकता हूँ ना ई इन टू यू वाई, लिख सकता हूँ ना। सब दुखी हो रहे हो, दुखी मत हो, थोड़ा एंजॉय कर लिया करो जीवन को। तो पहले केस में प्रोजेक्टाइल का रेंज है 2ux uy अपॉन जी, दूसरे केस में प्रोजेक्टाइल का कितना आएगा, केस 2 into ux eu y अपॉन जी, दूसरे केस में इतना आएगा ना प्रोजेक्टाइल करेंगे। अरे वी वाई, विहान तुम्हें समझ में आ रहा है, विहान यू वाई की जगह क्या हो जाएगा ई यू वाई, तीसरे केस में कितना आएगा 2ux e² uy अपॉन जी, चौथे केस में कितना आएगा 2 into ux e³ into uy अपॉन जी, इसमें कोई क्वेश्चन है ये। समझ
कॉमन ले लो यार, आगे डॉट 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 बढ़ाते चले जाओ। तो इसका इक्वेशन कॉमन ले लो, कितना बनेगा? कॉमन ले लो तो कितना होगा, टू यू एक्स यू वाई अपॉन जी। यहाँ क्या होगा वन, यहाँ क्या होगा ई, यहाँ क्या होगा ई स्क्वायर, सो ऑन सो फोर्थ। ये क्या बन गया, क्या बन गया, ये जीपी, जीपी बन गई ना। जीपी के सम का क्या फॉर्मूला होता है? देखो ऐसा जीपी है तो जिसको नहीं पता है, फर्स्ट टर्म क्या है, वन अपॉन वन माइनस कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकलता है, अगले वाले टर्म को पिछले वाले टर्म से डिवाइड कर, तो वन माइनस, तो यहाँ पे आर होता है फॉर्मूला, तो यहाँ लगाओगे कोई बात नहीं। तो टू यू एक्स यू वाई अपॉन जी इंटू वन अपॉन वन माइनस ई टी। ठीक है, यू एक्स यू वाई को क्या लिख सकते हो, यू स्क्वायर साइन टू थीटा। उधर सॉल्व करो कितना आएगा, कुछ नहीं वही आएगा, इंटू जी इंटू वन माइनस ई, दैट इज योर आंसर। खत्म हो गया, इसी में परेशान था तुम लोग के, बहुत कठिन सवाल। ध्यान समझ में आया तुम्हें? चलो एक बच्चे को तो आया, मेरे को उसी समझ। बेटा जीपी अभी सर पढ़ाए, सर पढ़ा रहे ना, अभी शुरू कर रहे हैं ना, सिक्वेंस सर ने शुरू किया ना मैथ में। हाँ आप लोगों को समझ में आ जाएगा, जीपी का जब सम पढ़ाएंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कल भी करा। जाओ ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आराम से खा पी के आना, सोच समझ के। अरे नहीं, केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स की 2 घंटे क्लास होगी ना फ्राइडे को, बस बारिश मत हो जाए। अगर बारिश में, अरे रोटी कल हम लोग, जैसे तुमने लास्ट फ्राइडे पढ़ लिया था, तुम्हारा पता ही नहीं चला था लास्ट फ्राइडे। लास्ट फ्राइडे में ऑनलाइन बच्चों ने ज्वाइन किया था, वो भी सब बच्चों ने।